एनआईए ने पीएफआई मामले में केरल हाईकोर्ट के वकील मोहम्मद मुबारक को गिरफ्तार किया है, जो पीएफआई के हिट स्क्वाड और मार्शल आर्ट का ट्रेनर था। एनआईए ने आरोपी के घर से बैडमिंटन रैकेट में कवर में छिपा कर रखे थे हथियार, वो भी बरामद किए हैं और इस मामले में ये 14वीं गिरफ्तारी है। केरल में 56 ठिकानों पर रेड के बाद आज गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी हुई है केरल हाईकोर्ट के वकील मोहम्मद मुबारक की, जिसे एनआईए ने आज सुबह गिरफ्तार किया। और जानकारी ये आ रही है कि पीएफआई के हिट स्क्वाड और मार्शल आर्ट का ट्रेनर था ये केरल हाईकोर्ट का वकील मोहम्मद मुबारक। सीधा रुख कर लेते हैं जितेंद्र शर्मा का, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कब से नजर थी एनआईए की केरल हाईकोर्ट के इस वकील पर और क्या कुछ बरामद किया है? देखिए प्रीति, इसी साल सितंबर महीने में एनआईए ने मामला दर्ज किया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया था पीएफआई के जो कैडर थे उनके खिलाफ, और उसको लेकर के इससे पहले 13 गिरफ्तारियां की जा चुकी थी। कल एनआईए ने केरल के अंदर 56 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ये 14वीं गिरफ्तारी की है। मोहम्मद मुबारक जो कि केरल हाईकोर्ट में वकील है, एर्नाकुलम का रहने वाला है। और सबसे खास बात ये है इसके बारे में कि ये जो पीएफआई की जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और जो हिट स्क्वाड है उसका ना सिर्फ ये ट्रेनर है बल्कि उसका मेंबर भी है बकायदा। तो जो भी लोग आते हैं जो पीएफआई के, जिनको हिट स्क्वाड के अंदर भर्ती करना होता है, जो कि एक तरह से टारगेट पे हमला करते हैं, उन लोगों को ये ट्रेनिंग दिया करता था। आप ये सोच सकते हैं कि जो मोहम्मद मुबारक है ये केरल हाईकोर्ट का वकील है, प्रैक्टिस करता है, पीएफआई से जुड़े हुए मामलों के खिलाफ सुनवाई भी करता था, इसके साथ ही हिट स्क्वाड और मार्शल आर्ट के लिए ट्रेनिंग भी देता था। काफी खतरनाक ये व्यक्ति था। पुलिस एनआईए ने छापेमारी जब की थी तो उसके बाद इसके घर से हथियार बरामद किए हैं, जो इसने अपने बैडमिंटन रैकेट का जो कवर है उसके अंदर छिपा रखे थे। जो हथियार बरामद किए गए हैं उसमें तलवार है, कुल्हाड़ी है और जो दूसरे जो वेपन्स हैं वो इसके घर से रिकवर किए गए हैं। तो जितेंद्र, क्या पुलिस को और एनआईए को इस बात का भी शक है कि वकालत का जो पेशा था वो सिर्फ एक मुखौटा था, मेन रूप से ये दरअसल पीएफआई की एक्टिविटीज में हिस्सा लेता था, उनके स्क्वाड को ट्रेन भी करता था और ताकि एजेंसीज को शक ना हो वकालत का मुखौटा पहन रखा था? देखिये, पीएफआई शुरुआत से ये इस तरह के लोगों को टारगेट करती थी, अपने ग्रुप में शामिल किया करती थी कि जो सामने से अगर आप मिलेंगे तो आपको लगेंगे कि बिल्कुल सफेद पोश है, किसी तरह के क्राइम में वो शामिल नहीं है। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद मुबारक को गिरफ्तार किया है, ये ना सिर्फ केरल हाईकोर्ट में वकील था बल्कि मेंबर भी था। तो एनआईए के पास इस तरह की लंबी लिस्ट है जो कि पीएफआई के इस तरह से छिपे हुए लोग थे, जो कि इस तरह से चाहे वो वकील हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे सिद्दीक अपन जिसको गिरफ्तार किया गया था, यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, या जो दूसरे लोग हैं जो कि आपको अगर सामने मिलेंगे तो आप कभी भरोसा नहीं कर सकते कि वो इस तरह की हरकत में या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो बैकडोर से पीएफआई की मदद कर रहे थे। मोहम्मद मुबारक भी उन्हीं में से एक चेहरा था जो कि पीएफआई की हिट स्क्वाड का ट्रेनर और मेंबर भी था, पीएफआई के जो नए रिक्रूट होते थे उनको भर्ती करता था और उनको ट्रेनिंग भी देता था। इसके अलावा जो खास बात ये थी प्रीति कि जब किसी तरह के मामले अदालत में जाया करते थे, क्योंकि केरल के अंदर ही पीएफआई बना था, तब किसी तरह के कोई मामले जाते थे तो बकायदा उनकी वकालत भी किया करता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोगों को पीएफआई ने अपने ग्रुप में भर्ती कर रखे थे। सेलेक्टिवली ऐसे ही लोगों को टारगेट करती थी पीएफआई कि उन्हें अपने ग्रुप में शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया जितेंद्र फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, आगे भी जो अपडेट्स आएंगी आपसे लेते रहेंगे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।